नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो वो नई बाइक पे है, जो मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था, एक नई क्रूज़र बाइक बना रहा हूँ मैं, तो उस पे है। तो चलिए उसके बारे में आज ओवरलुक दिखाता हूँ, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। बाकी डिटेल में कैसे कस्टमाइज हुई है उसके लिए अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए एक ओवरलुक देख लेते हैं। पहले ओवरलुक देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये बाइक है, हमने रॉयल इनफील्ड से बनाई है, और इस बाइक को आप देख सकते हो क्रूज़र लुक दिया गया है। ये रॉयल इनफील्ड से हमने बनाई थी बाइक, और पीछे इस पे 190 टायर लगा हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक लाइक हायाबुसा में आता है, या फिर आप बड़ी क्रूज़र हार्ले डेविडसन में आता है, उन बाइकों में आते हैं ये टायर। तो ये इसकी इस साइड की साइड लुक है। ये हमारा लोगो आ गया, VLC ड्रीमर इसका नाम दिया हुआ हमने बाइक का, ड्रीमर। ये देख लीजिए, ओ बंद रहा। साइड में हमने इसके लाइट, ये लाइट दी हुई है जो इंडिकेटर के साथ साथ फ्रंट लाइट पे भी जलती है, ये लाइट से। और ये भी इस टाइम जल रहे हैं, ऑन है, लेकिन दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वाइट है। फ्रंट वाला 110 टायर ही है, और सामने की टी है जो हमने हाले लुक में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। पहले तो इसको चॉपर किया हुआ है, यहाँ से काट के इसको आगे बढ़ा के इसको चॉपर किया हुआ है, थोड़ा आगे किया हुआ है। शॉकर इसमें मैंने क्लासिक के यूज़ किए हैं। टी कस्टम है, पूरी की पूरी मडगार्ड कस्टम है, और मडगार्ड की स्पोर्ट्स के लिए ये पत्तियां बना के लगाई थी। लाइट कस्टम है इसकी, खुद बनाई गई है टी। मेन मेरे को जो कमेंट्स में आते हैं, जो कॉल्स आई थी, वो थी कि भैया हमने ये फ्रंट आपने लुक जैसे दी है वैसी देनी है। तो भाई साहब, वो लुक के लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं अभी शूट करूंगा वो वीडियो, इस वीडियो के बाद ही अपलोड मैं 2-3 दिन के बाद कर दूंगा आपको। तो डिटेल में उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये टी बनाते कैसे हैं। तो ये एक्चुअल में टी का काम बड़ा मेहनती होता है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा इसमें कैसे होता है, कौन कौन सा मटीरियल यूज़ होता है, और कहाँ से कैसे कैसे आप कर सकते हो। ये हैंडल बार है इसकी, काफ़ी ब्रॉड लुक देती है। टैंक कस्टम है इसका, खुद बनाया गया है। हम मेरी दूसरी बाइक में भी दे सकते हैं, सेम ऐसा टैंक हमने बना के यूज़ किया हुआ है। ये फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने फ़िल्टर पीछे से काट के यहाँ से पाइप दे के आगे मिसाइल टाइप में लगाया, जैसे कि हार्ले में आता है, तो हमने वैसा किया। इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे से ये पत्ती के साथ ये अटैच किया हुआ है, ताकि ये टूटे ना। और साइलेंसर डबल है, फुटरेस्ट आगे कर दिया हमने, आगे करने के कारण हमें यहाँ से काटना पड़ा था। ये देखिए थोड़ा सा बेंड हुआ पड़ा, लेकिन दिखेगा नहीं। काट के इसको पाइप को लंबा किया ताकि ये बीच में से निकल सके, और साइलेंसर डबल कर दिया, दोनों वर्किंग है। और ये बाइक का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बाइक को हमने यहाँ से काट दिया था, टैंक यहाँ पे है। काटने के बाद दो सरिये लगा के ऐसे यहाँ से और उस साइड से चैसी बनाई थी, और नीचे टूल बॉक्स के लिए वो बना के फिर पीछे मडगार्ड बनाया था। इसके अंदर सस्पेंशन लगे हुए हैं दो, और रियर टायर के लिए हमने जो स्विंग आर्म वो कस्टम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर दो मोनो शॉकर यूज़ किए हैं इस टाइप के, ये देखो आपको दिख जाएंगे यहाँ से। बैटरी अंदर है इसकी, और ये चेसी के साथ स्विंग आर्म के साथ मोनो शॉकर अटैच है। और जो अलॉय है, अलॉय इसका 150 वाला अलॉय है, उसको काट के हमने बड़ा किया, आप ध्यान से देखना यहाँ से। ये देखिए, ये अलॉय इतना इतना था जो उस साइड का था, और इस साइड एक और अलॉय अटैच करके इसको 190 के लिए अलॉय बनाया गया, क्योंकि मार्केट में अगर नए लेने जाओ तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे,
तो इसलिए इसको हमने इस टाइप से अलॉय बनाया हुआ है। टायर 190 यूज़ हुआ है, ये मार्केट से परचेज़ की हुई है बैकलाइट जो इजीली मिल जाती है। फुटरेस्ट कस्टम मेड है, खुद बनाए हुए हैं पीछे वाले भी, और आप देख सकते हो ये लुक है बाइक की। फ्रंट डिस्क लगाई हुई है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप बैक में अगर इतना बड़ा टायर लगा रहे हो ना, तो आपको बैक में भी डिस्क लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे तो बाइक कंट्रोल नहीं होगी। तो बैक में हमने एक कस्टम वो बना के डिस्क लगाई हुई है, जिसका लिंक ये गया और आगे फुटरेस्ट पे हमने यहाँ पे दे दिया। ये रहा, ये इसकी डिस्क की पावर आ गई। जब इसको प्रेस करेंगे ये देखो ये हिल रहा है, और इसका ऑयल हमने ये दे दिया यहाँ पे। तो ओवरऑल ये बाइक थी। अभी मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक राइड हल्की सी स्टार्ट करके हमें साइलेंसर की आवाज़ सुना दे। राइड तो चलो हम यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं ले नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार वो स्टार्ट करके और पैर आगे रख के एक बार दिखा देंगे कि कितना कम्फर्ट है इस बाइक में। पैर आगे रख लो भैया, पहले तो पैर आगे रख के दिखा दो एक बार। हाँ ये देखिए, और बहुत कम्फर्टेबल है, आप इजीली 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर इस पे जा सकते हो। तो एक बार साइलेंसर की आवाज़ सुना दो। ऑन किया हुआ है, ओवरऑल लुक है इसकी, इस बाइक की। एक और वीडियो आएगी अभी जो मैं बताऊंगा, और इस टी के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो में मैं आपको इसकी सीट कैसे बनती है कस्टम, सॉरी मेरे को याद भूल गया था, मेरे को 4-5 कमेंट आए थे, उन्होंने बोला था कि इवन व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे भैया हमें सीट बनानी है, सीट बनानी है। तो भाई साहब ये सीट हमें, मेरे से पूछते थे कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलता है। भाई साहब ये सीट खुद बनाई गई है, बनाते कैसे हैं उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा अलग से, आपको उसके बारे में पता चलेगा। आप किसी भी बाइक की अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट बना सकते हो। तो आप ये तो आप बहुत खुद ही कर सकते हो घर पे, तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है। और ये पेंट है, हमने कस्टम पेंट किया था। ओवरऑल बाइक पसंद की है सबने, जिन्होंने बनवाई है ये बाइक वो शायद आज ले जाएं। तो मैंने कहा चलो भाई पहले तो वीडियो बना लेते हैं YouTube के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ऐसी ही और कस्टम बाइक्स की आपको वीडियोस देखने को मिले। और कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, या अपनी बाइक्स के रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हो खुद, तो आप पूछ के मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं जितना हो सके उतनी हेल्प कर दूंगा आपको, नहीं तो फेसबुक पे मेरा पेज है VLC कस्टम करके, टीम VLC, आप टीम VLC गूगल पे सर्च करो, TEAM VLC, आपको फेसबुक पे पेज मिल जाएगा। वहाँ पे भैया एक्टिव रहते हैं 24 घंटे, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, तो वो आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे। चलिए अलविदा, बाय, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा कुछ अलग पेश करके, धन्यवाद।